नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। मेघवर्णम सुभांगम लक्ष्मीकांतम गमनम योगुणज्ञानगम्यम वंदे विष्णु भवभयं ओम केशवाय सबसे पहले राजकुमार पांडे की तरफ से हमारे तमाम भोजपुरी दर्शकों को बहुत सारा प्रणाम, नमस्कार और बहुत सारा प्यार। और चूँकि आज इनॉग्रेशन है, मुहूर्त है भोजपुरी डांस एकेडमी का, जो अब तक पहली बार ये नाम ही आया है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग विधा के डांस होते रहे, बहुत सारी एकेडमी रही हैं, लेकिन भोजपुरी का ये पहला एकेडमी है मेरे नॉलेज के हिसाब से, अगर कहीं हो तो मुझे नहीं मालूम, जहाँ सिर्फ भोजपुरी गानों पर लोगों को भोजपुरिया डांस, मतलब वही उधारी सिखाने वाले हैं। ये हमारे उधारी बाबू हैं, ये बहुत टैलेंटेड हैं, बलिया के रहने वाले हैं, और इनके गुरु फिरोज जो इनको सिखाए हैं, बहुत सारा इन्होंने उनसे ज्ञान लिया है। तो ये लड़का वाकई बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है। मेरी पूरी शुभकामना है, आप सब बहुत सारा प्यार दीजिए उधारी को, और उधारी अभी फिल्मों में भी आने वाले हैं, आप सबको देखने वाले हैं। मेरी जो फिल्म बना रहा हूँ मैं रोमियो, उसमें है। इनफैक्ट मैं दूसरी जो पार्ट टू बना रहा हूँ दुल्हन छई पाकिस्तान से पार्ट टू, उसमें भी उधारी बहुत ज़ोरदार किरदार में है। तो ये सारा सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन बेस जो इनका है डांस का, मैं बहुत रेयर लोगों को देखता हूँ कितना डिवोटी होते हैं इस तरह से, ख़ासतौर से डांस को लेकर। और भोजपुरी में जो परिवर्तन की बार बार बातें होती रही हैं, वो जब तक यूथ उसके अंदर नहीं काम करेगा, जब तक वो अपना स्टाइल लेकर नहीं आएगा, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। तो उस परिवर्तन का जो मेन हिस्सा मुझे लगता है वो उधारी बनने वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर एक डांस का क्लास है, स्टाइल है, और भोजपुरी को ही बहुत अलग अलग मोड में, बहुत अलग अलग स्टाइल में ये उनके मूवमेंट्स होते हैं। तो वो नयापन लेकर आएगा जब आगे जो भी फिल्में होंगी या जो लोग सीख के स्टूडेंट्स यहाँ से निकल के जाएंगे, जितने बड़े स्टार सुपर स्टार हिंदी के भी रहे हैं या अलग अलग भाषाओं के रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास से बिलोंग करते हैं, कोई ना कोई मास्टर, कोई ना कोई गुरु उनका होता ही है। तो इस बार जो है भोजपुरी की शुरुआत जो है वो उधारी है, आगे आने वाली फिल्मों के जो बड़े बड़े स्टार्स होंगे वो ज़रूर कहीं ना कहीं इस क्लास से या इस ग्रुप के साथ जुड़े होंगे, और वो मज़ा हमारे दर्शक जब यहाँ से सीख के जाएंगे और पर्दे पर वो अपना डांस का एक अच्छा जलवा दिखाएंगे, तब आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। कई मेरे दोस्त भी कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कई दिन से ऐसे मन में लग रहा था, दिन से क्या सालों से, जैसे कि मैं बचपन से ही सोचा था मैं भोजपुरी गानों पे वैसा कर सकूं, लेकिन अचानक मुझे एक महीना पहले ऐसा मन किया कि नहीं अब मैं करूंगा। अब वो दिन आ गए हैं जो भोजपुरी में भी आज के दौर का डांस होना चाहिए, क्योंकि देखिए म्यूजिक का लेवल एक बहुत ऊपर जा चुका है, लेकिन डांस का लेवल वही है। लोग मतलब भोजपुरी गाना आते ही सबने क्या ही लाएगा, ठुमका? नहीं, ठुमका ही नहीं, बहुत कुछ करेंगे हम, एक कोशिश रहेगी हमारा, हम प्रयास करेंगे। मेरे गुरु मास्टर फिरोज खान सर हैं यहीं पे, वो कोरियोग्राफ करेंगे, मैं उनको असिस्ट करूंगा, जैसे मैं हिंदी में करता हूं इसमें भी असिस्ट करूंगा सर को। और मास्टर प्लीज सर आप आए, मेरे गुरु जी हैं जो मुझे जितना भी मैं डांस जानता हूं सर, सर के बदौलत जानता हूं, और सर का कृपा रहा और हम लोग बहुत आगे जाएंगे डांस को लेके, ये उम्मीद है, और यही उम्मीद के साथ ये क्लास ओपनिंग हो रही है। खुशी इस बात की है कि मेरा बच्चा जब बम्बई में पहली बार आया सबसे पहले मेरे पास ही आए सीखने के लिए, और इसकी मेहनत और लगन इतनी थी कि मुझे भी खुद को इतना खुशी होता था कि इसको सिखा के, और आज अंजनी एक बड़ा स्टेप लिया है जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मेरा नाम खूब रोशन करेगा जो मैं नहीं कर पाया, और कोशिश में लगे हैं। जैसे भैया ने बोला कि उधारी काफ़ी मेहनती लड़का है, तो हाँ मेहनत बहुत करते वो, और मेरा यही कोशिश है कि उधारी बहुत आगे जाए और पूरे मतलब फिल्म इंडस्ट्री में भोजपुरी हो या हिंदी हो, मराठी हो, कुछ भी लैंग्वेज हो, उसमें अपना नाम करे। आज अंजनी ने आज ओपनिंग नया किया है और बहुत ही खुशी मिल रही है कि ये बड़ी बड़ी क्लासेस चला रहा है, और इसे देख के कामयाबी देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारा भी नाम रोशन कर रहा है ये। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरी पहली जो फिल्म थी बलियाँ की दबंगई, जिस फिल्म से मैंने डेब्यू किया था,
वो मेरी मुँह बोली सिस्टर एकता जी, मैं इनको बोलता हूँ, ऐसे इनका नाम शाहजहाँ शेख है लेकिन मैं इनको एकता जी बोलता हूँ। तो इन्होंने मेरे लिए प्रोड्यूस किया था और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला मुझे, और इनका ही देन है कि मुझे इस साल बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिल गया। तो मैं बड़ा आभारी हूँ और आप यहाँ आए, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए। बस ऐसे ही तुम क्लासेस चलाते रहो और अच्छी अच्छी फिल्में करते रहो और सुपर स्टार और अच्छा डांसर बन जाओ, बस यही चाहते हो। थैंक यू गुड लक। थैंक यू। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।